नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में एक नई वैकेंसी एंड नई रिक्रूटमेंट के वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अपन देखते हैं कि जो एक और वैकेंसी आ रखी है 8,000 पदों के लिए वैकेंसी है, सरकारी भर्ती है 2018 की। तो दोस्तों, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड इसकी जो वैकेंसी है 8,000 पदों के लिए एंड इसकी जो नौकरी आपको राजस्थान के अंदर भी मिलेगी एंड इसके जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है एंड दोस्तों 24 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो अपन देखते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर क्या वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए कितनी इसके अंदर पोस्ट है एंड आप किस से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अपन गूगल के अंदर सर्च चल जाते हैं एंड जो सर्च करते हैं गूगल के अंदर जो, ताकि आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाए। तो गूगल के अंदर आप सर्च कर लीजिएगा APS, ठीक है। APS सर्च करने के बाद आपको जो सर्च बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप APS सर्च करेंगे, आपके पास जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट आएगी APS-CSP.in, आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, जो ऊपर ही ऊपर वेबसाइट आ रही है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है आर्मी पब्लिक स्कूल की एंड जो ये वैकेंसी निकली है आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर निकली है 8,000 पदों के लिए वैकेंसी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे जो आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा एंड इसी वेबसाइट पर आप अपना जो फॉर्म भी भर सकते हैं, जो मॉक टेस्ट भी आप खरीद सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर, ठीक दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जो ये जो नोटिफिकेशन आ चुका है एंड जिसका नोटिफिकेशन वाला एडवर्टाइजमेंट वाला ऑप्शन है वो अभी खुल नहीं रहा है, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए अपन जो गाइडलाइन से ही देख लेते हैं। जो टोटल वैकेंसी इसके अंदर 8,000 टीचर्स की वैकेंसी है दोस्तों, अध्यापक भर्ती है, अध्यापक सीधी भर्ती। तो आप देख सकते हैं 8,000 टीचर्स की वैकेंसी निकल रखी है आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। एंड इसके अंदर आपको नीचे देखते हैं जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा, आपका 17 और 18 नवंबर को आपका एग्जाम रहेगा एंड उसके बाद जो इंटरव्यू रहेगा एंड उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। 8,000 पदों के लिए वैकेंसी है एंड अपन नीचे चल के देखते हैं जो ये वैकेंसी है CBSE एंड जो CBSE से अप्रूव्ड स्कूल है। और इसी के साथ ही आप देख सकते हैं कि जो आपका कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो इसमें 3 प्रकार की पोस्ट निकल रखी है, PGT, TGT, BRT। तो PGT के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो पोस्ट ग्रेजुएशन रहनी चाहिए जो स्नातक कोर रहती है 50% अंकों के साथ, साथ ही में आपके पास जो प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए BEd का 50% के साथ एंड उसी के बाद जो TGT की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके 50% अंकों के साथ, साथ में BEd होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। एंड उसके बाद जो PRT की वैकेंसीज के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, साथ में या फिर आपके पास BEd होना चाहिए या फिर जो 2 ईयर्स का जो डिप्लोमा होता है BSTC, तो इस प्रकार का डिप्लोमा होना चाहिए 50% के साथ, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा एंड जो आपकी एज लिमिट है, आप इसकी जो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो एक्सपीरियंस वालों को भी लिया जाएगा एंड इसके अंदर जो आपका एग्ज़ाम रहेगा, तो जो PGT एंड जो TGT, इसके अंदर 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा, 90 नंबर का मार्क्स रहेगा, ठीक है। एंड उसी के साथ ही जो 20 नंबर का रहेगा, उसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, तो जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसी सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होगा, वो भी 90 नंबर का रहेगा। एंड उसके बाद जो PRT है, उसके अंदर आपका जो सेम ए पार्ट है उसी की तरह ही होगा, एक टेस्ट, ठीक है। तो 1 घंटे का ये रहेगा, 1 घंटे 30 मिनट का, 90 मिनट का। दोस्तों, ये वैकेंसी आ रखी है आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर, जो इसकी फ़ीस है फॉर्म भरने की आपकी 500 रुपये रहेगी फीस सभी के लिए। तो दोस्तों, आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एंड जो आप फोटो जो इसमें आपको बता रखा है कि कहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, वो सभी आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो चुका है 1 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक एंड जो इसके एडमिट कार्ड आपका 3 नवंबर को आ जाएगा एंड जो आपकी एग्ज़ाम डेट इसके अंदर रहने वाली है 17 से 18 नवंबर एंड जिसका रिजल्ट भी आपको 3 दिसंबर तक आ जाएगा एंड जनवरी से पहले आपको ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी, ठीक है। एंड इसके जो आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। जिसके चार्ज आपके पार्ट ए है उसका 100 रुपये है, मॉडल जो टेस्ट है आपका, ठीक है, तो ये सैम्पल पेपर क्वेश्चंस का एंड जो बी पार्ट उसके भी 100 रुपये। तो आप जो मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जो पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दोस्तों, इसी के साथ आप देख सकते हैं जो आपकी जो ज्वाइनिंग कहाँ कहाँ पे होगी। राजस्थान के अंदर मैं जगह बता देता हूँ, जिसके अंदर आपकी जैसलमेर, जोधपुर, नसीराबाद हो गया एंड जयपुर, जोधपुर, नसीराबाद, जैसलमेर, अजमेर, अलवर, बीकानेर, कोटा
एंड जो गंगानगर है इसके अंदर आपको जो आर्मी पब्लिक स्कूल है वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो दोस्तों ये सभी लिस्ट एंड इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप सभी देख लीजिएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि राजस्थान के अंदर भी ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जो अलवर, अजमेर का नसीराबाद, बीकानेर, कोटा एंड जो गंगानगर के अंदर भी वैकेंसी निकल रखी है। एंड आप देख सकते हैं इन सब्जेक्ट्स के लिए ये वैकेंसी है, तो एक बार आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट्स के लिए इसके अंदर मेंशन हो रखा है, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सभी सब्जेक्ट है। एंड जो आप देख सकते हैं फिर से एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर बता रखा है, जो अगर आप इंग्लिश के अंदर करना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, तो ये पीजीटी के लिए है। एंड साथ ही में जो टीजीटी के लिए भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो इस प्रकार इसमें दे रखा है। एंड जो पीआरटी के अंदर आपके पास या तो ग्रेजुएट होनी चाहिए, साथ ही में जो बीएड या फिर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड आपके जो एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे राजस्थान के अंदर बता देता हूँ, अजमेर के अंदर रहेगा एंड उसी के साथ ही आपका जयपुर, जोधपुर, तो जो भी सिटीज़ हैं इसके अंदर आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, श्री गंगानगर, बीकानेर। ठीक है दोस्तों, तो ये नोटिफिकेशन एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। तो 8,000 पदों के लिए वैकेंसी आई है, तो आप सभी को ये जानकारी देनी थी, तो आप सभी देख लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो ये टीचर्स के लिए वैकेंसी आ रखी है। ठीक दोस्तों, तो आप सभी को बताना था जो जिसकी ज्वाइनिंग आपको राजस्थान के अंदर भी मिलेगी, राजस्थान के अंदर काफ़ी सारी सीट्स भी है इसकी। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट, और आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। ठीक है, 24 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, तो यहाँ से आपको ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके इस प्रकार आपकी जो डिटेल्स है वो सभी आपको फिल कर देना, आपके पास फॉर्म आ जाएगा जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, पीजीटी, टीजीटी, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सभी डालकर आपको जो फॉर्म सबमिट करके फीस जमा करवानी होगी और आप इस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है 8,000 पदों के लिए। तो अगर आपके पास जो बीएड या फिर BSTC या डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी की जानकारी देनी थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करेगा, और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।